इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 15 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1950 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम सांस ली थी। देश की एकता में उनके योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुजरात में नर्मदा नदी के करीब उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसा दावा है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देश दुनिया के इतिहास में 15 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू जी महाराज का निधन आज ही के दिन 1749 में हुआ था। आज ही के दिन 1803 में भोंसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई देवगांव संधि के तहत उड़ीसा और कटक कंपनी के शासन के अधीन हो गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन आज ही के दिन 1950 में हुआ था। महात्मा गांधी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलू का निधन आज ही के दिन 1952 में हुआ था। आज ही के दिन 1953 में भारत की एस विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी। इस पद पर पहुंची वो पहली महिला थी। 1961 में आज ही के दिन तानाशाह अडोल्फ हिटलर के यहूदी नरसंहार के आयोजक अडोल्फ आइसमन को मौत की सजा सुनाई गई थी। आज ही के दिन 1961 में बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर आए चक्रवात में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी के संस्थापक वाल्ट डिज्नी का निधन आज ही के दिन 1966 में हुआ था। देश के महान फुटबॉलर वाई चुंग भुटिया का जन्म आज ही के दिन 1976 में हुआ था। मॉरिशस के गवर्नर शिवसागर राम गुलाम का निधन आज ही के दिन 1985 में हुआ था। भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट का जन्म आज ही के दिन 1988 में हुआ था। भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर पीयूष कमल का जन्म आज ही के दिन 1992 में हुआ था। आज ही के दिन 1992 में जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया था। 1997 में आज ही के दिन जेनेट रोसेनबर्ग जैगन गुयाना की राष्ट्रपति चुनी गई थी। वो देश की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति होने के साथ ही गुयाना की पहली श्वेत राष्ट्रपति थी। आज ही के दिन 1997 में अरुंधति रॉय ने बुकर पुरस्कार जीता था। उन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया था। 1997 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान वाहन या दफ्तर पर उग्रवादियों द्वारा किए जाने वाले विस्फोटों को गैरकानूनी घोषित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कुशल पत्रकार तथा लेखक गौर किशोर घोष का निधन आज ही के दिन वर्ष 2000 में हुआ था। आज ही के दिन 2001 में पीसा की झुकती मीनार को 10 वर्ष बाद फिर से खोला गया था। दरअसल इस इमारत के ढांचे को ठीक और मजबूत करने के लिए इसे बंद कर दिया गया था। 2004 में आज ही के दिन दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारंभ हुआ था। आज ही के दिन 2008 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवादी वारदात से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।